यात्रियों को बड़ी राहत अब एचआरटीसी हिमधारा एसी डिलक्स बसों में भी चलेगा स्मार्ट कार्ड। अब एचआरटीसी की हिमधारा एसी डिलक्स बसों में भी स्मार्ट कार्ड चलेगा और यात्रियों को किराए में 10% की छूट मिलेगी। हिमधारा बसों में ये छूट अगले महीने यानी 1 अक्टूबर से मिलना शुरू होगी और 31 मार्च तक ये छूट मिलती रहेगी। इससे पहले एसी डिलक्स बसों में किराए में किसी भी प्रकार का स्मार्ट कार्ड नहीं चलता था और न ही किराए में छूट मिलती थी, लेकिन यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के लिए निगम प्रबंधन स्मार्ट कार्ड धारक यात्रियों को ये छूट प्रदान करेगा। निगम ने अभी हाल ही नई 50 एसी डिलक्स बसें खरीदी हैं जिनका नाम हिमधारा रखा गया है। निगम ने ये बसें इंटरस्टेट व इंट्रास्टेट के लॉन्ग रूटों पर चला रहा है। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में नर्सरी और केजी कक्षाओं के 50,000 बच्चों को भी अब स्मार्ट वर्दी। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में नर्सरी और केजी कक्षा में पढ़ने वाले करीब 50,000 बच्चों को भी अब स्मार्ट वर्दी दी जाएगी। राज्य सचिवालय में प्रधान सचिव शिक्षा देवेश कुमार की अध्यक्षता में हुई हाई पावर कमेटी की बैठक में ये फैसला लिया गया। पहली से 12वीं कक्षा के 8 लाख विद्यार्थियों की वर्दी का डिजाइन बदलने और पूरी बाजू का स्वेटर भी देने को लेकर बैठक में चर्चा हुई। प्रधान सचिव शिक्षा ने प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय को 10 जिलों में वर्दी के डिजाइन दिखाने के लिए निर्देश दिए हैं। शैक्षणिक सत्र 2022-23 और 23-24 के लिए शिक्षा विभाग ने वर्दी की प्रक्रिया शुरू करने के लिए बुधवार को हाई पावर कमेटी की बैठक पहले की है। मरीजों की सुविधा के लिए 30 नई एम्बुलेंस सीएम जयराम ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बुधवार को ओक ओवर से प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के लिए 30 नई एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि इसे दूर दराज और कठिन भौगोलिक क्षेत्र में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी। उन्होंने कहा कि 25 दिसंबर 2010 को राज्य में सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई थी। वर्ष 2019 में 46, वर्ष 2020 में 100 और वर्ष 2022 में 50 एम्बुलेंस जनता को समर्पित की। इस प्रकार प्रदेश के लोगों की सुविधा के लिए राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा 108 के तहत 196 एम्बुलेंस प्रदान की गई है। एचपीएमसी के स्टोर में 2 रुपए किलो प्रति माह बढ़ाया किराया, बागवानों की परेशानी बढ़ी। मंडियों में सेब के दाम गिरने के बाद हिमाचल प्रदेश के बागवान अपना सेब किराए पर सीए स्टोर में रखने को मजबूर हैं। लेकिन सरकारी सीए स्टोर का महंगा किराया बागवानों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। एचपीएमसी ने अपने सीए स्टोर का किराया बागवानों के लिए 2 रुपए प्रति किलो महा घोषित किया है, जबकि चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा में निजी कोल्ड स्टोर का किराया 1.40 पैसे किलो प्रति माह है। हर साल मंडियों में सेब के रेट गिरने पर बागवान करीब 1.5 लाख मीट्रिक टन सेब सीए स्टोर में डालते हैं ताकि 5 महीने बाद दाम सुधरने पर सेब बेच सकें।